देश भर में राष्ट्र के 78वां स्वतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और झारखंड पुलिस मुख्यालय में भी तिरंगे को फहराकर सलामी दी गई। पदस्थापित जीपी अनुराग गुप्ता ने पुलिस मुख्यालय में तिरंगा फहराकर तिरंगे को सलामी दी और खास मौके पर पुलिस मुख्यालय के वरीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और उनके परिवार मौजूद थे। इस दौरान डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि पुलिस और जनता के बीच मधुर संबंध हो, यही पुलिस का प्रयास रहता है और जल्द ही पुलिस पब्लिक के बीच दूरियों को और काम की जाएगी और अपराध पर नकेल कसने के लिए ये दिन प्रण लेने का है। और आज के दिन जिस तरह स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आजादी दिलाई, इस तरह हम आज ये प्रण लेते हैं कि हमारा राज्य अपराध मुक्त हो। नक्सलवाद झारखंड राज्य में, जैसे मैंने पहले बोला, 90% खत्म हो चुका है। मात्र चंद क्षेत्रों में सीमित रह गया है, वो भी क्योंकि वहाँ पे घनघोर जंगल है जिसका लाभ उठाते हैं लोग। हमारी फोर्सेस, राज्य पुलिस और CRPF मिलकर के अभियान चला रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि बचे खुचे चंद अपराधियों को भी हम जल्द उनका खत्म कर सकेंगे, ऐसा मेरा पूरा मानना है। सर, जो साइबर आजकल एक बहुत बड़ा चैलेंज जी, इसके लिए क्या विशेष किया? देखिए, साइबर पुलिस में झारखंड की बहुत अच्छी भूमिका रही है पिछले करीब 6 महीने से। अभी मैं आपके बारे में, आप सभी जानते हैं, मुझे उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। जैसा मैंने अपने अभी यहाँ भी बोला, 1000 से अधिक व्यक्तियों को हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं इस माध्यम से। इसके अलावा जो हमारे 3 मुख्य चैलेंज हैं, उसको कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, ऑनलाइन जॉब स्कैम और डिजिटल अरेस्ट, ये 3 हमारे मेन जो मुद्दे हैं, तीनों पर कार्रवाई चल रही है। हम लोगों ने देश भर के लगभग सभी राज्यों में छापामारी करके अपराधियों को गिरफ्तार किया, पंजाब से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, हैदराबाद से, बेंगलोर से, चेन्नई से, असम से। इसके अलावा अभी हाल में जो झारखंड के कुछ लोगों को फैला फुसला करके वियतनाम कंबोडिया के माध्यम से विदेश में ले जा करके अपराध करवाए जा रहे थे, वो नक्सलवाद झारखंड राज्य में, जैसे मैंने पहले बोला, 90% खत्म हो चुका है। मात्र चंद क्षेत्रों में सीमित रह गया है, वो भी क्योंकि वहाँ पे घनघोर जंगल है जिसका लाभ उठाते हैं लोग। हमारी फोर्सेस,